तो नाज़रीन गाड़ी में बैठने लगे हैं, आगे मैं बैठूंगी, पीछे कैमरामैन बैठेंगे और हम देखेंगे गाड़ी कैसे वॉश होती है। गाड़ी के ऑनर भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कैसे एक्सपीरियंस है उनका, कब कब उन्होंने ये जदीद तरीका अपनाया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अच्छा एक हमारे साथ कोऑपरेट किया। ये बताइएगा कितने दफ़ा आपने यहाँ से कार वॉश करवाई है अपनी? मैंने अभी ये थर्ड टाइम करवा रहा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बेहतर एक्सपीरियंस है, ऑर्डिनरी जो कार वॉश है उससे बेहतर है। अच्छा ये बताइएगा कि चार्जेस कितने आते हैं इस पर? 450 मुनासिब लगते हैं आपको? जी एज कम्पेयर टू। अच्छा ठीक है, ये अब इन्होंने जो गाड़ी है वो अपनी यहाँ पे नीचे जैक्स होंगे कि खुद ब खुद चलेगी, हमें मैनुअली चलानी? इट्स अ कन्वेयर सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी को लेके चल रहा है, आपको किसी तरह की मतलब आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं। अगर बंदा गाड़ी के अंदर अवेलेबल भी नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली गाड़ी चल सकती है। अभी हम लोगों ने गाड़ी जो है वो बेल्ट के ऊपर डाल दी है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, कन्वेयर बेल्ट इसको बोलेंगे, और वो खुद ही गाड़ी को आगे लेके जाएगी बेल्ट, और गाड़ी खुद मूव हो रही है। चलें जी अभी हम आपको विजुअल दिखा देते हैं कि किस तरह से गाड़ी वॉश होगी। आगे वाले ब्रशेस चल चुके हैं और गाड़ी के ऊपर पानी जो है वो आ रहा है, आप देख सकते हैं ब्रशेस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और बेल्ट के ऊपर एक हम हैं जो बेल्ट हमारी गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं वो बेल्ट को आगे बेल्ट के ज़रिए गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, और पानी आप देख रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर आना शुरू हो गया है। सर्फ भी लगेगा इसको, ये शैम्पू? इसमें हम ओनली शैम्पू प्लस वैक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ये जो प्लांट इंस्टॉलेशन का खर्चा है टोटल, क्या आप शेयर करना चाहेंगे कितना खर्चा आया आपका? जी तकरीबन इसके ऊपर तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट है इस टोटल यूनिट के ऊपर। इसमें टोटल सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, जनरेटर, मशीनरी, ईच एंड एवरीथिंग। लैंड इसके अंदर एलिए अलग होती है। अच्छा, लैंड अलग है आपकी, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में इस तरह का जदीद प्लांट लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? जी देखिए इस टाइम पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और लोग इस टाइम क्वालिटी कॉन्शियस हैं, और जो है ना किसी तरह का हमें ये नहीं है कि जो है ना लोग देखें, जो बंदा 450 रुपये ये सेडान कार है, इससे छोटी कार का रेट 350 भी है, 400 भी है, तो मतलब आम रूटीन के ऊपर भी आप जाएंगे तो इतने पैसे तो वैसे लग जाते हैं। तो उसको एक तो हमारे पास टीम बहुत बड़ी है और अल्लाह के करम से हमें जो क्वालिटी पे हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे इस टाइम के। चलिए नाज़रीन हम बात अब कम करते हैं, आपको मनाजिर ज़्यादा दिखाते हैं, आवाज़ें आपको आ रही होंगी। ब्रशेस जो है वो गाड़ी के ऊपर चल रहे हैं, एक ब्रश विंडस्क्रीन के ऊपर से गया है और नीचे से भी एक ब्रश आएगा, और सामने देखें अगर आप देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, साइड ब्रशेस भी चल गए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है गाड़ी में बैठ के इस तरह देखना कि गाड़ी हमारी कैसे वॉश हो रही है, और यकीनन जो लोग बाहर के मुल्क गए होंगे उनका एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं गए उनके लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। बहुत से लोगों के लिए जो गाड़ियों के मालिक हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि मनाजिर आप देख रहे हैं। चलिए ये ब्रश वाला काम जो हो गया है, अब नेक्स्ट जो है गाड़ी के ड्राई होगी, ऊपर से बहुत ज़्यादा एयर का प्रेशर आएगा और एक एक कतरा गाड़ी से उतर जाएगा और जो गाड़ी है वो ड्राई कर देगा। अब आप ये ड्राइड नीचे आ चुके हैं, अगर आप पानी का लेवल चेक कीजिएगा, ये इसको बिल्कुल ऊपर से उठा के इसको ड्रॉप नीचे करें, ये आप चेक कीजिएगा बिल्कुल लेवल से लेवल ये काम हो रहा है, ये चेक कीजिए। नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर जो ड्रॉप्स हैं वो ड्राई हो रही है, सारा पानी नीचे की तरफ जाएगा। और वो फ्रंट पे जो ड्राई पॉलिशर जो है वो शुरू हो गया है, और ब्रशेस ये पॉलिश भी हो जाएगी साथ में गाड़ी। अब ड्राई हो गई गाड़ी, अब पॉलिश का मरहला शुरू हो गया।
ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत गाड़ी को स्क्रैच नहीं आ रहे ना, स्क्रैच नहीं आएंगे. इस ऑल ईवीए फोमिंग ब्रशेज हैं, इसमें किसी तरह का कोई स्क्रैच आने का कोई चांस ही नहीं है. जी जी, सूती से विंडस्क्रीन साफ हुई है, एक एक जर्रा साफ हो गया पानी का, साइड से भी साफ हो गई सारी गाड़ी. अब ऊपर से जो छत है गाड़ी की वो साफ हो रही है, जितने कचरे रह गए हैं वो मैन्युअली यहाँ से लड़का बॉय जो है वो साफ करना उसने शुरू कर दिया है. और ये हमें कितने मिनट लग गए गाड़ी में बैठे? चार मिनट का टाइम है इसका. जी, जैसे गाड़ियाँ और भी लग सकती थी लेकिन इनके पास अभी एक कस्टमर था, तो चार मिनट में चार गाड़ियाँ इसी तरह से वॉश हो सकती हैं. ये था एक्सपीरियंस नाज़रीन. अब हम गाड़ी से बाहर जाएंगे और दिखाएंगे बाहर से कि गाड़ी किस तरह से साफ हो गई और जो पानी है वो किस तरह से सेव हो गया. बेल्ट से उतर गई गाड़ी और ड्राइवर हैं जो गाड़ी के मालिक हैं, उन्होंने गाड़ी को इस तरह से टर्न कर लिया और अब ये फ्री है गाड़ी. जी जी, देंगे अभी. जी जी, बस इसका हमने अगर इन्होंने कोई पॉलिशिंग वगैरह करवानी है या इन्होंने कोई और इनका काम है तो वो उसके एक सेपरेट चार्जेस हैं और उसके बाद गाड़ी इनकी फ्री है. तो नाज़रीन, ये गाड़ी साफ़ हो चुकी है और पानी की बचत भी हो चुकी है. ये वो तरीका था जिसको अपनाने के लिए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और गाड़ी भी साफ़ हुई है. गाड़ी को साफ़ करने के लिए पैसे भी बहुत कम लगे हैं और जो मकसद था पानी बचाना वो किस कदर हो गया मकसद हमारा पूरा, वो भी हमने आपको बताया कि 80% पानी इन्होंने जिस इस गाड़ी को वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया था 100 में से 80% पानी जो है वो ऊपर टैंकियों में सेव हो गया है फिल्टर होके. शहरी हैं जिनकी गाड़ी में हम बैठे थे, उनसे हम बात कर लेते हैं. सर, कभी क्राइसिस देखे घर में पीने के लिए पानी ख़त्म हो गया हो या नहाने के लिए? जी बिल्कुल होता है और इसके अंदर जो टाइम की सेविंग है और पानी की सेविंग है. मुझे कन्वेंशनल जो आपके कार वॉशेज हैं वहाँ पर हमेशा यही प्रॉब्लम आती थी कि वहाँ आपको टाइम और वो पानी का बेहद ज्यादा है वहाँ पे. यहाँ पे आप जल्दी भी फारिग होते हैं और वाटर सेवेज भी. चलिए, बहुत अच्छा मैसेज था. पानी कितना सेव किया हमने आज? इट्स अबाउट 80-90% हमने इसको सेव किया. बिकॉज जब तक ये सिस्टम नहीं लगेगा आप ये कह ही नहीं सकते कि हमने पानी सेव किया. नाज़रीन, हमने आज कामयाबी हासिल की है क्योंकि हमने आज पानी सेव किया है आपकी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए.